मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन मुक्ति पार्टी की जोरदार तैयारी। गुजरात में बीएमपी का चल रहा है ट्रेनिंग अभियान। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएल मातंग के कुशल नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। पानी की भारी संकट से फिर जूझ रहा है हमीरपुर का गांव। पानी की सप्लाई ठप होने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल। चुनाव से पहले दावे तो बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद दावे तो धरे के ही धरे रह गए। फैजाबाद में ताक पर कैश की सुरक्षा। कैश की सुरक्षा के साथ भारी खिलवाड़, कभी भी हो सकती है अनहोनी। मामला पंजाब नेशनल बैंक की कैश सुरक्षा की है, जहां बैंक कैश की गाड़ी में आधा धुन डोई जा रही है सवारी। माता रमाबाई अंबेडकर के पूर्ण तिथि पर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ ने किया आगरा में एक दिवसीय प्रबोधन का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के प्रदेश अध्यक्ष आयुष्मती आरती दिनकर ने की। आज पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ बामसेफ का एक दिवसीय कैडर कैंप। इस कैडर कैंप में माननीय विजय सिंह चंद्रवंशी ने हजारों कार्यकर्ताओं को दिया ट्रेनिंग। सरकारी सुविधाओं के नाम पर जनता के साथ धोखा ही धोखा। कीचड़ में दिखता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान। गोरखपुर की नवीन मंडी में कीचड़, बदबू और बीमारियों के घरों में चल रही है जीविका चलाने की दुकानदारी। Yeah.